मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केबीसी के नाम पर ठगी का शिकार हुई महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला को फोन पर केबीसी में लॉटरी निकलने का मैसेज आया था। जालसाजों ने महिला की बैंक डिटेल ली और ठगी कर ली। वहीं जब महिला के अकाउंट में लॉटरी का पैसा नहीं पहुंचा तो जालसाजी का खुलासा किया गया। इसको लेकर घर में कलह का डर से महिला ने फांसी लगा ली। हजीरा पुलिस ने इस केस को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि मायके वालों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। मामले में महाराजपुरा सीएसपी रवि सिंह भदौरिया ने बताया है कि हजीरा के लूटपुरा में रहने वाले सतीश तोमर की पत्नी सुमर तोमर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं पति सतीश ने बताया कि उसकी पत्नी के पास किसी का फोन आया था। फोन करने वाले ने सुमन को केबीसी में लॉटरी निकलने का झांसा दिया था। इस दौरान ठगों ने सुमन से उसकी बैंक डिटेल सहित अन्य जानकारी ली। वहीं जब सुमन के पास लॉटरी का रुपए वापस नहीं आए तो ठगी का मामला दर्ज किया गया। इसी सदमे में उसने फांसी लगा ली। वहीं सीएसपी भदौरिया के मुताबिक महिला के परिजनों ने पति सहित ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। थाना हजीरा क्षेत्र में लूटपुरा मोहल्ले में एक सोसाइटी की सूचना मिली थी, जहां जब घटनास्थल पे मौके पर पुलिस गई और पोस्टमार्टम कराया गया है। उसमें मृतका के पति का ये कहना है कि मृतका के साथ में केबीसी के नाम पे एक फ्रॉड कॉल आया था और जिसके चलते उसने कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट कर दिया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी और उसने सुसाइड कर लिया। जबकि जो मृतका के परिजन हैं, मायका पक्ष है, उनका कहना है कि वो ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आके उसने आत्महत्या की है। मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच में जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।